स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है आप लोगों की विप्रो कंपनी की तरफ से आ रही है। तो गाइज जैसे कि आप लोग जानते हैं विप्रो कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी मतलब MNC कंपनी जिसे हम बोलते हैं वो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो थोड़ा मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। तो गाइज मल्टीनेशनल जो कंपनियाँ होती हैं जैसे हमारा टाटा हो गया, बजाज हो गया, TVS हो गया, इसी तरीके की हमारी L&T है, विप्रो है, ये सभी हमारे जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। और मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां होती हैं गाइस उनमें क्या होता है आप लोगों की गवर्नमेंट रूल्स चलते हैं सारी। मतलब अगर आपको देखा जाए अगर आपकी इन कंपनियों में जॉब लगती है तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट की सैलरी आप लोगों की इंक्रीज की जाती है उसी तरीके से यहाँ पर भी की जाती है। और सारा जो मतलब एक तरीके से देखा जाए कि आपका जो डेटा होता है गवर्नमेंट के पास होता है, सारा जो रूल्स चलते हैं गवर्नमेंट के चलते हैं। बट अगर अदर छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियों को देखा जाए वो मल्टीनेशनल नहीं होती हैं, वो नॉर्मल प्राइवेट होती हैं, उनमें जो है खुद उनका ही रूल चलता है। तो ये सारी कुछ और भी ऐसी ही आप लोगों की चीज़ें होती हैं जो मेन में जो आप लोगों की मल्टीनेशनल कंपनी और इनमें थोड़ा बहुत अलग करती हैं। और देखा जाए तो जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं उनमें हर कोई जॉब करना चाहता है। तो गाइस यहाँ पर जो जॉब आ रही है आप लोगों के लिए फ्रेशर्स के लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में वीडियो को कंटिन्यू कर लेना जिससे कि आप लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है या फिर अगर आप 12th पास हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। साथ ही मैं आप लोगों को बात करूँ यहाँ पर जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ कि ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ओनली ऑन फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो 1 ईयर 2 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए भी हैं, बट डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12th वाले। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद जॉब करने लगते हैं तो उनके लिए भी है। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रेजुएट हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है गाइज। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर विप्रो जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकालता है लेकिन इस पर जो है डिप्लोमा वालों के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है और यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँगा इस विप्रो एक ऐसी कंपनी है आप लोगों की, यहाँ पर देखिए विप्रो की आप लोग के LED बल्ब वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग के यहाँ पर आती हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर पाएंगे गाइस इस वैकेंसी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली ऑन एक ही ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, सभी ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ वैकेंसी ऐसी हैं आप लोग के वॉक इन इंटरव्यू भी रहेंगी और आप लोग सभी वैकेंसीज को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस अगर जो वैकेंसी वॉक इन इंटरव्यू के लिए होती हैं उनमें ज़रूर जाया करें, क्योंकि उनमें क्या होता है कि आप लोगों की जो ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहता है आपकी हायरिंग का। तो यहाँ पर आप लोग फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर वैकेंसी दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये HR की प्रोफाइल से निकल कर आ रही है Naukri.com की तरफ से, विप्रो इज हायरिंग फॉर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और वॉइस प्रोसेस की जॉब है। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर वॉइस प्रोसेस की है। और गाइस यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ये सोच के अप्लाई नहीं करते हैं अरे नॉन टेक्निकल की जॉब है नहीं करना है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोलना चाहूँगी गाइस अगर आप इस तरीके की कंपनी में एक बार लग जाते हैं तो आप लोग डिपार्टमेंट आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की जिस चीज़ में पहचान हो गई और आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो मान लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपना डिपार्टमेंट चेंज ना कर पाए। आप लोग को सिर्फ एक पैर रखने भर की जगह चाहिए, आप लोग दोनों पैर अपने आप रख लेंगे, आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं कि अपना पहचान खुद बना लेंगे और आप खुद उस डिपार्टमेंट में घुस जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग जो है कोशिश करें कि इस तरीके की कंपनियों में जिस भी पोस्ट पर जॉब निकल रही है भले ही कम सैलरी दे रहा हूँ आप पहली बार में उस पर घुसने की कोशिश करें। उसके बाद आप लोग को जब भी कोई भी बड़ी हायरिंग निकलती है वैकेंसी को चेक करते रहें, बड़ी हायरिंग पर आप लोग अप्लाई करते रहें। यहाँ पर फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है, जैसे 0 ईयर एक्सपीरियंस है 2 ईयर एक्सपीरियंस है दोनों अप्लाई कर पाएंगे। 50,000 से लेकर 2 लाख यहाँ पर सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। और यहाँ पर लोकेशन तो बहुत अच्छी है क्योंकि ये जो लोकेशन है डिमांड में ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स की। काफ़त आई डोंट नो कि क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं नोएडा लोकेशन स्टूडेंट्स, बट ये जो है ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते रहते हैं कि नोएडा की लोकेशन हो तो ज़रूर जॉब बताइए।
तो आप लोग जानते हैं नोएडा परी चौक जो है आप लोगों का, वहां पर आप लोग की लोकेशन रहेगी। टाइम मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए 10 मई से लेके, मतलब 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के फॉर्म, और यहाँ पर 19 मई तक जो है आप लोगों का इंटरव्यू चलेगा। 11 बजे से लेके 3 बजे तक शाम की चलेगा। साथ में पूरा वेन्यू दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सरिता विहार न्यू दिल्ली आप लोग का यहाँ पर है। अब जो स्टूडेंट हमारे यहाँ के आस पास के तो वो कॉन्टेक्ट कर लें, बाकी देखिए अगर नहीं भी हैं आस पास के तो भी मैं उनको बोलना चाहूंगी कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और आप लोग तुरंत इंटरव्यू देने के लिए चले जाएं। तो आप लोगों को यहाँ पर फोन नंबर भी दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि फोन नंबर जब होता है तो स्टूडेंट कांटेक्ट कर पाते हैं और फिर जा पाते हैं। यहाँ पर ओपनिंग 100 निकाली गई है गाइस, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ सबसे पहले जो मस्ट मैं बात करूँ, देखिए जो ग्रेजुएट है अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मेन आप लोगों को प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं विप्रो में जो हायरिंग हो रही है, और यहाँ पर आप लोग की जो है ईमेल आईडी दी गई है। तो आप लोग को ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेना है, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए आप लोगों की, आप लोग की फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कस्टमर जो है आप लोग की एक तरीके से सर्विस के तौर पर रहेगी। यहाँ पर ग्रेजुएट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो हायर ग्रेजुएट है हायर पोजिशन पे है, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो हमारे थोड़े स्टूडेंट हैं तो उनको उनको क्या करना है, जो अपनी ई मेल आई डी है अपना जो ये वाली जो ई मेल आई डी है इस पर सेंड करना है रिज्यूम, रिज्यूम इस पर सेंड कर दें। साथ में देखिए अपना जो एक्सपीरियंस है वो सी वी वगैरह सेंड कर दें, उसके बाद कवर लेटर भी साथ में सेंड कर दें और यहाँ से भी अप्लाई कर देना, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं अप्लाई करने के। और आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू जाना है गाइज, आप लोग को ऑफलाइन जाना होगा इस लोकेशन पर, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आप लोग जाएंगे तभी इसमें सिलेक्शन होगा, अगर नहीं जाएंगे ऑनलाइन करेंगे तो बहुत कम चांसेस है इस तरीके से, बट आप लोग कर सकते हैं, हो सकता है हो भी जाए। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपना ई मेल आई डी पर रिज्यूम भेजते हैं तो हो सकता है रिप्लाई भी आ जाए, बट ज़्यादा चांसेस है ऑफलाइन वालों का। तो गाइज देख सकते हैं ये जो हमारी दूसरी जॉब है, मतलब अगर आप देखा जाए कि पोजीशन आप लोग की वही है, सारा क्राइटेरिया वही है, बस चेंजेस इतना है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोकेशन आप लोगों की चेंज है, यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली सरता विहार न्यू दिल्ली है आप लोगों की, और फोन नंबर आप लोगों को दूसरा दिया गया। मतलब अगर एक ही कंपनी है तो ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी में सिर्फ एक ही एचआर होंगे, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एचआर होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पर भी अप्लाई कर देना, ये भी सेम जॉब है, और ये ईमेल आईडी आप लोग की अलग है, वो जो फर्स्ट आप लोग की ओपनिंग थी उसमें अलग थी, इसमें अलग है, तो इस पर भी अप्लाई कर देना। एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए स्किल अपना जो रिज्यूम बनाए, एक दो स्किल इसमें से जो है चूज कर लेना, जैसे देखिए कस्टमर सर्विस की आप लोग स्किल आती है ये लिख देना, आप लोग थोड़ा मतलब अच्छे से बॉन्डिंग कर पाते हैं, कॉलिंग अच्छे से कर पाते हैं, कॉल बॉन्डेशन आप लोग के अंदर ये स्किल अच्छी है, आप लोग बोल अच्छे से पाते हैं, ये थोड़ी कुछ स्किल्स हैं आप लोग अपने रिज्यूम में मैंशन जरूर करना, ताकि आप लोग का जो है रिज्यूम जल्दी से जल्दी सेलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट वीक ओपनिंग देख लीजिए, तो गाइस देख सकते हैं ये ओपनिंग भी विप्रो हायरिंग कर रहा है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, वॉइस प्रोसेस के तौर पर सारी चीज़ें सेम है, बट ये दूसरे एचआर की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी। और यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर भी दूसरा दिया गया है, और बाकी सारी चीज़ें आप लोग, और ई मेल आई डी भी यहाँ पर अलग दी गई है, सारी चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगी, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए आप लोगों की, बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, एक अगर वैकेंसी आप लोग चेक कर लेते हैं अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी वैकेंसी को आप लोग अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। बट मेन सिर्फ इतना है कि सभी में अप्लाई कर देना ईमेल आईडी के माध्यम से भी, और आप लोग लिंक के माध्यम से भी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अलग अलग एचआर के माध्यम से यहाँ पर आप लोग को हायरिंग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा आप लोग यहाँ पर लोकेशन रहेगी परी चौक, गाइस काफी अच्छी यहाँ पर लोकेशन है, और आप लोग अप्लाई कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।